साथियों, हाइपरलिंक तो आपने लगाया होगा। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको समझाया था कि हाइपरलिंक हम किस प्रकार लगाएंगे, लेकिन एक्सेल में हाइपरलिंक का फॉर्मूला आपने यूज़ किया है? और यदि नहीं किया है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाइपरलिंक का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। देखिए, हाइपरलिंक का फॉर्मूला वैसे ही काम करता है जैसे हाइपरलिंक का ऑप्शन जो हमको दिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो इंसर्ट के अंदर आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, कुछ हम एडवांस कर सकते हैं हाइपरलिंक के फॉर्मूले से। हम लिंक लगाना चाहें किसी अदर फाइल से जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में रखी हुई है, या फिर हम इसी डॉक्यूमेंट्स में कहीं किसी सीट का लिंक लगाना चाहें, तो हम लिंक किस प्रकार लगाएंगे, किस प्रकार लिंक क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ हाइपरलिंक का यूज़। देखिए, हाइपरलिंक पर हम यहाँ पे क्लिक करें या इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के। अब मान लीजिए हमने ये पंकज की फाइल है कोई, इस पंकज की फाइल को देखना है, नरेश की फाइल को देखना है, ये एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल है वहाँ पर, और हम यहाँ पर नाम पर क्लिक करें या हमने एक कॉलम और बना लिया क्लिक हेयर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट उस पंकज की डिटेल के ऊपर हमको लेके जाए। तो उसके लिए हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ करें, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग फाइल ऑन द वेब, यहाँ पे हमारी कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ भी कोई फाइल रखी है या वो डिटेल रखी है उस एम्प्लॉय की, हम उस पे क्लिक करके और ओके कर देंगे तो डायरेक्ट वहाँ से उसका लिंक बन जाएगा। सिंपल ये आपको आता है। इसी डॉक्यूमेंट्स में अगर हमने कहीं पर हाइपरलिंक लगाना है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया, तो हम इन दिस पैलेस पर चले जाएंगे और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स में जो ये फाइल खुली हुई है, यहाँ पे पाँच सीटें हैं, आप देख रहे हैं पाँच सीटें, पाँचों सीटें यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। और वो डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, चार नंबर सीट पे रखा है, हम ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ का लिंक बन गया। इसका कहाँ से बन गया, पाँच नंबर सीट से बन गया। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वापस हम कहाँ आ गए, पाँच नंबर सीट पे आ गए। और इस सीट में ये डाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे देखो पंकज की भी डिटेल है, नरेश की भी, मनोज, मुकेश, गणेश, सभी की डिटेल्स। हम चाहें कि डायरेक्ट हम उस पर्टिकुलर डिटेल के ऊपर पहुंचे, हमारा कर्सर देखो अभी यहाँ पे आया है। हम चाहें कि जैसे हमने पंकज पे क्लिक किया तो या तो हमारा कर्सर यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, या मनोज वाले पे क्लिक करें तो हमारी कर्सर पोजीशन यहाँ पे एक्टिव सेल आए या फिर यहाँ पे आए, है ना, इस रो के अंदर ही कहीं आए। तब हम कैसे यूज करेंगे उस चीज़ का, मैं वापस इसी सीट पर चलता हूँ, यहाँ से मैं ये हाइपरलिंक रिमूव कर लेता हूँ। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। देखिए फिलहाल मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, हम क्लिक किया फिर से भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमने मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो पंकज वाली डिटेल पे जाना है और पंकज वाली डिटेल है यहाँ पे दो नंबर रो के अंदर, ठीक है, हमने दो नंबर रो में जाना है। और कॉलम हम कौन सा चुने, वो कॉलम चुन सकते हैं। मान लीजिए हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे सी में आना चाहेंगे तो सी टू यहाँ पे भरेंगे। तो फॉर्मूले में हम किस प्रकार ऐड करेंगे, करेंगे इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिंक लोकेशन हमने उस सीट का लिंक देना है तो उसके लिए हम डबल कोट शुरू करेंगे और डबल कोट के अंदर मेरा यहाँ पे फॉर्मूला भाग गया। डबल कोट में हम यहाँ पे डालेंगे हैज़, यहाँ पे लेंगे कि सीट का नाम, जो भी आपकी सीट का नाम है, मेरी सीट का नाम ओनली सीट फोर है, आपने जो नाम दिया हुआ है वो नाम यहाँ पे डाल लेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, शिफ्ट के साथ एक नंबर दबाना है। और अब यहाँ पे हमने लिखना है उस सेल का नाम, वो था हमारा सी टू, है ना, सी टू के अंदर दो नंबर रो में सी नंबर कॉलम में हमने पहुंचना है। और फ्रेंडली नेम, फ्रेंडली नेम के अंदर हमने यहाँ पे क्या दिखाना है, कोमा यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कोमाज के ऊपर लिख देंगे हम क्लिक हियर, ये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और एंटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो क्लिक हियर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच गए, देखो हमारा एक्टिव पोजिशन ये सी टू वाला सेल है, है ना। और यहाँ से फिर से वापस उसी सीट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बैक, और इसका लिंक भी हम डाल देंगे। इसका लिंक डायरेक्टली हम डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है किस सेल में जाना है, तो हम सीधा कंट्रोल के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के अंदर हमने पाँच नंबर सीट में जाना है, इसको सेलेक्ट किया और आप यहाँ पर कोई भी सेल ले सकते हैं, A1 है A1 में पहुँच जाएंगे, A2 में जाना है A2 में पहुँच जाएंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ से हम फिर से वापस बैक पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हम A2 सेल में फिर से यहाँ पे पहुँच गए। इसी प्रकार हम यहाँ पे इसका लिंक देना चाहेंगे तो यहाँ भी हम करेंगे इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट स्टार्ट करके लिंक लोकेशन हमारी वही इन्वर्टेड कॉमास हैज सीट
सीट 4 है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अब हमने जाना है C3 के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा क्लिक हियर ओके एंटर। देखिए यहाँ से फिर से इसका लिंक बन गया। आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये कहाँ पे आ गया, अब C3 के अंदर पहुँच गया है ना। पहले C2 पे जाते हो, हम यहाँ से बैक चलते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा C2 के अंदर। फिर से हम बैक चलते हैं और इस बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहुँच गए C3 के अंदर। हम इस प्रकार हाइपर लिंक का यूज़ करके कितना अच्छा कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं, कितना अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसके लिए आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। आशा है साथियों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक कर दीजिए और नए यहाँ पर मेरे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।